अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ब्लू ब्लैक इंक। ये जो टॉपिक है रिलेटेड है केमिस्ट्री से, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लू ब्लैक इंक के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड हम लेंगे 75 ग्राम एंड गैलिक एसिड। गैलिक एसिड हम लेंगे 30 ग्राम और डिजोल्व इन 150 सेंटीमीटर ऑफ वार्म वाटर। 150 सेंटीमीटर पानी लेंगे, उसमें हम टैनिक एसिड और गैलिक एसिड को डिजोल्व कर देंगे इन अनदर कंटेनर फेरस सल्फेट। दूसरे कंटेनर में फेरस सल्फेट हम लेंगे 100 ग्राम अलोंग विद गम अरेबिक 60 ग्राम। इसके साथ हम लेंगे अरेबिक गम, एक होता है उसका हम उस वो लेंगे 60 ग्राम का। इस डिजोल्व इन 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, उसको डिजोल्व करेंगे 600 सेंटीमीटर और डिस्टिल्ड वाटर में। मिक्स द टू सॉल्यूशन बाय एडिंग 75 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और उसमें एडिंग करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 75 ml और उसके बाद 50 ग्राम फिनॉल ब्लू 15 ग्राम एंड वाटर इज एडेड टू प्रोड्यूस 3 dm सॉल्यूशन। उसके बाद वाटर जो है वो ऐड करेंगे 3 dm क्यूब। द कॉन्टेंट टू बी केप्ट अजाइट फॉर अ फॉरनाइट एंड देन फिल्टर्ड। एक नाइट के लिए ये सारा जो है मिक्स करके रख देंगे, उसके बाद उसको फिल्टर कर देंगे तो हमारे पास ब्लू ब्लैक इंक प्रिपेयर हो जाएगी। ये ब्लू ब्लैक इंक की प्रिपरेशन का मेथड पूरा इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रॉयल ब्लू इंक। फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोज इज डिजॉल्व इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सबसे पहले हम लेंगे कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोज। कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोज एक कंपाउंड होता है, उसको लेंगे मिनिमम क्वांटिटी। हमारे पास पानी हो लेकिन पानी की जो क्वांटिटी हो वो मिनिमम हो और वो पानी जो है ना डिस्टिल्ड पानी हो, डिस्टिल्ड मतलब प्योर वाटर साफ हो, उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोज को इन अनदर पॉट इंक ब्लू। दूसरा एक बर्तन लेंगे या लेब में जो हम यूज़ करते हैं कंटेनर वगैरह, या फिर दूसरा एक लेंगे उसमें हम ऐड करेंगे इंक ब्लू 15 ग्राम एंड मिथाइल वॉयलेट। उसमें 15 ग्राम ब्लू इंक ऐड करेंगे या फिर 15 ग्राम ब्लू इंक और उसके साथ साथ मिथाइल वॉयलेट भी ऐड कर देंगे 5 ग्राम। कलर्स आर डिजोल्व इन 200 सेंटीमीटर वार्म डिस्टिल्ड वाटर एंड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। उसके बाद इसको डिजोल्व करेंगे 200 सेंटीमीटर मतलब पे 200 सेंटीमीटर क्यूब पे पानी में मतलब इसको डिजोल्व करेंगे। उसके बाद इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर देंगे। दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द अर्लियर प्रिपेयर्ड कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज सच सॉल्यूशन एंड रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स। सॉल्यूशन जो है ना उसको मिक्स कर देंगे, जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसको मिक्स कर देंगे, उसमें मिक्स कर देंगे कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोज सॉल्यूशन एंड रिमेनिंग द इंग्रेडिएंट्स। और दूसरे जो इंग्रेडिएंट हमें ऐड करने हैं वो भी उसमें मिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल भी उसमें ऐड करना था तो इथाइलिन ग्लाइकोल के 20 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे। उसके अलावा एसीटोन 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे और फिनॉल जो है फिनॉल भी 1 ग्राम ऐड कर देंगे। ये दूसरे इंग्रेडिएंट का मतलब होता है, दूसरे ये जो हम मैं बता रही हूँ ये वाले इंग्रेडिएंट्स। द कम्बाइंड सॉल्यूशन टू बी स्टर्ड वेल एंड केप्ट फॉर 10 डेज। कम्बाइंड सॉल्यूशन जो है उसको स्टर्ड कर देंगे मतलब उसको हिलाएंगे किसी चीज़ से वेल एंड केप्ट फॉर 10 डेज। उसको सॉल्यूशन को 10 दिन के लिए रख देंगे। आफ्टरवर्ड्स फिल्टर्ड टू गेट द रॉयल ब्लू इंक रेडी फॉर यूज़। उसके बाद 10 दिन के लिए ये सॉल्यूशन को रख देंगे, उसके बाद ये जो ना उसको फिल्टर कर देंगे सॉल्यूशन को। उसके बाद हमारे पास रॉयल ब्लू इंक जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएगी। ये पूरा मेथड था रॉयल ब्लू इंक को बनाने का। इसी तरीके से अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो बनाएं, बन जाएगी रॉयल ब्लू इंक। तो ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हो गया, जिसमें हमने बनाना सीखा ब्लू ब्लैक इंक और रॉयल ब्लू इंक की प्रिपरेशन। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और मेरे चैनल पे विज़िट करते रहना,
सब्सक्राइब करते रहना। और इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो फूड प्रिजर्वेशन, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी फूड प्रिजर्वेशन का टॉपिक। और इसके अलावा और भी केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है ना इस वीडियो पे आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक्स।